नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी। तो यहाँ पर 18 से अधिक जिलों में येलो अलर्ट, तो कई जिलों में भारी भयंकर बरसात को लेकर चेतावनी है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में तेज बरसात की गतिविधियां जारी है और आने वाले दो दिन के दौरान और ज्यादा मौसम में बदलाव होगा। तो अगर आप भी पूरे के पूरे भोपाल समेत मध्य प्रदेश में रहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस जिले, गांव, क्षेत्र में रहते हैं मध्य प्रदेश के। तो दोस्तों, आज कई जिलों में भारी बरसात के साथ बिजली और मेघ गर्जना के साथ चेतावनी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मानसूनी सिस्टम के मिल रहे संकेतों के चलते दोस्तों, दो दिन तक और ज्यादा भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत यहाँ पर मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, कटनी समेत कई संभागों में वज्रपात को लेकर अलर्ट है। मौसम विभाग की मान तो लो प्रेशर एरिया, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मानसून ट्रफ लाइन गुजरने की वजह से मौसम बदल रहा है और झमाझम बरसात के साथ पूरी तरह से मौसम बदल चुका है। झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, महाकालेश्वर, आगरा, मालवा, शाजापुर, राजगढ़, गुना, श्योपुर कला, शिवपुरी पश्चिमी और यहाँ पर अशोकनगर, विदिशा में मध्यम बारिश के साथ, अलीराजपुर, धार, मांडू, इंदौर, देवास, खंडवा, ओंकारेश्वर, खरगोन, महेश्वर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, रतनगढ़, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, पंचमढ़ी, बैतूल और रायसेन, सांची, भीमबेटका, सीहोर, भोपाल में हल्की से मध्यम बरसात के साथ चेतावनी है। वही दोस्तों, झमाझम बरसात के साथ यहाँ पर आज विभिन्न हिस्सों का मौसम बदलेगा। कई जगहों पर वज्रपात को लेकर अलर्ट, कुछ जगहों पर येलो अलर्ट तो कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी है। भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है और झमाझम बरसात के साथ चेतावनी भी जारी की गई है। इस समय दोस्तों, पूरे देश के सभी राज्यों का मौसम बदला है, जिसमें मध्य प्रदेश के भी विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी खासी बरसात के साथ पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी और अभी भी दोस्तों कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में खास करके विभिन्न क्षेत्रों में बारिश के साथ बिजली चमकने को लेकर भी अलर्ट है। फिर भी दोस्तों, दोपहर के समय कुछ जिलों जो है यहाँ पर गर्म देखने को मिल रहे, खास करके मौसम विभाग की माने निम्च, मंदसौर, आगर, राजगढ़, सीहोर, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, देवास, इंदौर, रतलाम समेत दोपहर के समय मौसम गर्म, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बरसात के साथ बिजली चमकने वाले जिलों की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, सागर, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, रीवा, कटनी, दमोह, पन्ना, सतना, छतरपुर, टीकमगढ़, इन सभी जिलों में बरसात के साथ बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट, उतार चढ़ाव जारी है। येलो अलर्ट वाले जिलों की बात की जाए तो यहाँ पर ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी, विदिशा, रायसेन, सागर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, कटनी, इन सभी जिलों में येलो अलर्ट है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम में ठंडक और मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों की बात की जाए तो यहाँ पर भिंड में, शिवपुरी, छतरपुर, सागर, पन्ना, दमोह, सतना, रीवा, कटनी, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर और सिंगरौली, इन जिलों में दोस्तों ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। बरसात की गतिविधियों के साथ मध्य प्रदेश का मौसम बदलेगा और झमाझम बरसात के साथ चेतावनी है। आप किस जिले, गांव या क्षेत्र में रहते हैं मध्य प्रदेश के, कमेंट करके जरूर बताना। और मौसम विभाग की मान तो भारी बरसात के साथ दोस्तों कई इलाकों पर बिजली चमकने को लेकर भी अलर्ट है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है, सतर्क रहे, सावधान रहे, बिना वजह घर से बाहर ना निकले, पेड़ के नीचे ना रुके, बिजली के खंभों से दूर रहे, क्योंकि दोस्तों अलग अलग सिस्टम बनने के कारण झमाझम बरसात के साथ चेतावनी भी जारी है। और मौसम विभाग की मान तो सीधी, सिंगरौली, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांडुना जिलों में भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, सतना, चित्रकूट, मेहर, अनूपपुर, अमरकंटक, डिंडोरी, उमरिया, बांधवगढ़, पन्ना, छतरपुर, खजुरा, बालाघाट, बैतूल में बिजली के साथ मध्यम से तेज बरसात होगी। और इसी के साथ अलग अलग जगहों पर दोस्तों श्योपुर कला, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, ओरछा, टीकमगढ़, धार, मांडू, इंदौर, उज्जैन, आगर, मालवा और साथ में रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, पंचमढ़ी, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, सागर, दमोह, राजगढ़, भोपाल, विदिशा में हल्की से मध्यम बरसात और झमाझम बरसात को लेकर चेतावनी है। आपके यहाँ पर अभी बरसात हो रही है, आप किस जिले, गांव या क्षेत्र में रहते हैं पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक एक जिले की बात की जाए तो आप देख सकते हैं जबलपुर में 26-27 रात के समय दिन में 30-31 पूरे 7 दिन छिटपुट, रविवार तक तेज बरसात और बरसात की गतिविधियां जो है यहाँ पर रविवार के दिन तेज देखने को मिलेगी। तब तक शुष्क रहेगा, मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। इसी के साथ कटनी में एक दिन छोड़ एक दिन बूंदाबूंदी बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी है। भोपाल में पूरे 7 दिन हल्की बूंदाबूंदी बरसात के साथ मौसम में ठंडक, परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। इसी के साथ सीधी में पूरे 7 दिन बूंदाबूंदी बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन, मौसम मिला जुला रहेगा। मौसम विभाग की मान तो बड़वानी में मौसम शुष्क और साफ रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ परिवर्तन भी देखा जा रहा है, बादलों की वजह के साथ मिला जुला मौसम है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे ग्वालियर में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी बरसात और बिजली चमके की बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम में ठंडक, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। धार के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी, 4 दिन बादल, शुक्रवार शनिवार से हल्की बूंदाबूंदी होगी। बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक, मौसम मिला जुला रहेगा और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की मान तो पूरे के पूरे उज्जैन के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम शुष्क है, शुक्रवार शनिवार को हल्की बूंदाबूंदी, बाकी मौसम साफ रहेगा। हरदा में पूरे 7 दिन हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है, बादल छाए रहेंगे, मौसम ठंडा सोना भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर शिवपुरी के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, अगले 24 घंटों के दौरान बरसात और बिजली चमक सकती है। मौसम विभाग की मान तो पूरे मंदसौर के मौसम में
बदलाव देखा जा रहा है। उतार चढ़ाव जारी, चार दिन बादल, शुक्रवार को हल्की बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। रायसेन में पूरे 7 दिन हल्की बूंदाबूंदी देखने को मिल सकती है, उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन मौसम, मिला जुला और बादलों की वजह के साथ बदलाव है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर पूरे के पूरे शाजापुर के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। गुरुवार शुक्रवार को हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे विदिशा में 7 दिन हल्की बूंदाबूंदी, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम में ठंडक के मौसम मिला जुला रहेगा, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन देखा जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे जो है यहाँ पर श्योपुर के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना रहेगा, हल्की बूंदाबूंदी के साथ बरसात भी हो सकती है। अशोकनगर में पूरे 7 दिन हल्की बूंदाबूंदी, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। सतना में दोस्तों बुधवार से लेकर रविवार तक अच्छी खासी बरसात हो सकती है, तो कुछ जगहों पर छटपुट बरसात के साथ मौसम में बदलाव आएगा। गुना में हल्की बूंद की बरसात होगी, भारी बरसात की कोई गुंजाइश नहीं, ज्यादातर इलाकों पर मौसम साफ बताया जा रहा है। खंडवा में दोस्तों 4 दिन बादल, उतार चढ़ाव जारी, बादलों के वजह के साथ परिवर्तन है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे होशंगाबाद में 4 दिन हल्की बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन रहेगा। सिंगरौली में 3 दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी और अलर्ट भी जारी किया गया है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे जन यहाँ पर उमरिया में बताया जा रहा है कि बुधवार गुरुवार शुक्रवार तक हल्की बूंदाबूंदी होगी, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में ठंडक बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग के मानते रतलाम में 4 दिन बादल, शुक्रवार शनिवार से हल्की बूंदाबूंदी, बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक, मौसम मिला जुला रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों पूरे के पूरे जो है मौसम विभाग की मानते यहाँ पर राजगढ़ में 7 दिन बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है। मई दोस्तों मौसम विभाग की मानते यहाँ पर पूरे के पूरे देवास के मौसम में बदलाव, शुक्रवार शनिवार को हल्की बूंदाबूंदी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे छतरपुर में जो है यहाँ पर बुधवार गुरुवार से अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन मौसम ठंडा सोना रहेगा, मौसम मिला जुला रहेगा और बादलों की वजह के साथ बदलाव है। अलीराजपुर में 4 दिन बादल, शुक्रवार शनिवार से हल्की बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन मौसम मिला जुला रहने को लेकर चेतावनी है। बुरहानपुर में दोस्तों गुरुवार शुक्रवार से हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। भिंड में दोस्तों बुधवार से लेकर सोमवार मंगलवार तक तेज बरसात और बिजली चमकेगी, बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वही दोस्तों यहाँ पर पूरे के पूरे सागर में हल्की बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन मौसम ठंडा सोना रहेगा, मौसम मिला जुला रहेगा। बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। नीमच में 4 दिन बादल, शुक्रवार शनिवार से हल्की बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। इसी के साथ दोस्तों दतिया की बात की जाए तो दतिया के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी है। बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार तक तेज बरसात और बिजली चमकेगी, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट भी जारी किया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पन्ना में बुधवार से लेकर रविवार तक तेज बरसात और बिजली चमकेगी, बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन मौसम ठंडा सोना रहेगा। वही दोस्तों यहाँ पर पूरे के पूरे जो है मौसम विभाग की मानते सीहोर में पूरे 7 दिन हल्की बूंदाबूंदी रहेगी, उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग की मानते यहाँ पर पूरे के पूरे जो है रीवा में 3 दिन हल्की बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी है और यहाँ पर गुरुवार को अच्छी खासी बरसात होगी। इसी के साथ शिवनी में आज अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। मौसम विभाग की मानते पूरे शेड्यूल के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। इसी के साथ दमोह में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी, उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग की मानते पूरे के पूरे टीकमगढ़ में बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी, बूंदाबूंदी के साथ उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। इसी के साथ झाबुआ में दोस्तों 3 दिन बादल, शुक्रवार शनिवार को हल्की बूंदाबूंदी होगी, उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। मौसम विभाग की मानते यहाँ पर पूरे के पूरे इंदौर में 4 दिन बादल, शुक्रवार शनिवार को हल्की बूंदाबूंदी देखने को मिलेगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों पूरे के पूरे मुरैना में बुधवार गुरुवार शुक्रवार को अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी, बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट है। यहाँ पर नरसिंहपुर में पूरे 7 दिन बूंदाबूंदी, बालाघाट, मंडला, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, आगर समेत मौसम बदल रहा है। निवाड़ी में भी बूंदाबूंदी के साथ परिवर्तन है। तो यह था पूरे MP का मौसम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।